आज नुआ संसद भवन भूमि पूजन करिछन्ति प्रधानमंत्री। एही शिलान्यास उत्सव में प्राय 200 अतिथि सामिल होछन्ति। गृहमंत्री अमित शाह सह बहु केन्द्रमंत्री एथिरे जोग देछन्ति। चलित मास यार निर्माण काम आरंभ हेबो। अक्टोबर 2022 सुधा निर्माण काम शेष होइ पारे। स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्ति अवसर में संसद उभय गृह कार्य आरंभ हेबो। नुआ संसद बिल्डिंग रे लोकसभा सदस्यों 888 सीट, राज्यसभा 326 अधिक सीट व्यवस्था हेबो। वर्तमान थिबा संसद भवन निकट रे एहार निर्माण करा जिवो। वैदिक मंत्री गुंजी उठिथिला पूरा माहौल। 971 कोटी बजेट रे निर्माण हेबो ई नुआ संसद भवन। नुआ संसद भवन रे 500 स्क्वायर फीट रे एहार निर्माण हेबो। प्रस्तावित चारिमहला विशिष्ट नुआ संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर अंचल में निर्मित होब। व्यय अटक 971 कोटी। त्रिभुजकार आकार रे एहार निर्माण होब। कार्यक्रम को संबोधित करी मोदी कहिछंती आज एक ऐतिहासिक दिन। यह एक माइल खुंट सब्यस्त होब। आज ऐतिहासिक दिन साक्षी होता 130 कोटी देशवासी गर्वर विषय। मोदी कहते स्वाधीनता पर पुराणा संसद भवन देश को एक नुआ दिग देता और नुआ संसद भवन आत्मनिर्भर भारत निर्माण साक्षी हो। नुआ संसद भवन देशर अभिलाषा को सफल कर। दुईदिनिया पश्चिमबंग गस्त बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानर्जी को गत गड़ कहता डायमंड हार्बर में आयोजित राली में जोगदे नड्डा जा समय विरोधर सम्मुखीन हो। आज आक्रमण शिकार बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय। बीजेपी नेता टीएमसी कर्मी आक्रमण करजेपी घटना को नहीं पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानर्जी को समालोचना कर नड्डा। विरोधी को दमन करने टीएमसी हिंसात्मक उपाय ग्रहण कर नड्डा। ममता नेतृत्व में बंगरे विशृंखला और असहिष्णुता वृद्धि पा। बंगरे बीजेपी सरकार आसिले सुनार बंगला निर्माण बोली नड्डा कहते। घटना को नहीं पश्चिमबंग सरकार केन्द्र गृह मंत्रालय एक रिपोर्ट मांगी। चाषी आंदोलन नहीं केन्द्र कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमार को सूचना। मंत्री कहले सरकार आलोचना प्रस्तुत अच्छा किंतु चाषी पाखु प्रस्ताव आसनी। नुआ आईन में चाषी समस्या को गुरुत्व दिजाई। एमएसपी बंद होवार प्रश्न उठ। 15 दिन में पहुंची चाषी आंदोलन। गतकाली सरकार को प्रस्ताव खारज करने चाषी सिंघु टिकरी चिल्ला बॉर्डर में आंदोलन जारी रखिंट। आंदोलन अधिक तेजवा नहीं धमक चाषी नेता। सरकार का प्रस्ताव को खारज करने चाषी गतकाली 6 बड़ घोषणा करते 12 तारीख में दिल्ली जयपुर हाइवे को चका जाम कर सहित 14 तारीख में सारा देश में धारणा और प्रदर्शन करे चाषी। चाषी कहते जो पर्यंत कला कृषि आईन प्रत्याहार करपर्यंत आंदोलन जारी रहा। आंदोलन में बसी 40 संघर नेता और किसी समय पर बैठक करे। डिसेंबर 12 और 14 रणनीति बाबद चर्चा करे। चाषी जयपुर दिल्ली समेत तो आगरा जयपुर हाइवे बंद करने को डाकरा देसहित अन्नदाता कहते सारा देश में प्रदर्शन जारी रखे। विभिन्न राज्य शताधिक संख्यक चाषी दिल्ली मुहां हे। बीजेपी विधायक सांसद मंत्री को घेराव करे चाषी और एमान को बहिष्कार कर। कृषि आईन संशोधन प्रस्ताव चाषी खारज करने चिंतार केन्द्र सरकार घन घन बैठक बसुची। गतकाली विलंबित राति पर्यंत गृहमंत्री अमित शाह केन्द्र कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमार पीयूष गोयल आगामी रणनीति को नहीं बैठक होता। चाषी नेता राकेश टेगट कहते गतकाली जो प्रस्ताव दिया कृषि आईन में संशोधन कथा कहला। सरकार संशोधन चाहते किंतु चाहते आईन प्रत्याहार कराना जो पर्यंत कृषि बिल प्रत्याहार करा से पर्यंत आंदोलन जारी रहा। अन्यतम चाषी नेता मंजीत सिंह कहते सरकार का मंद उद्देश्य रही चाषी को दुर्बल करने सरकार आंदोलन को दीर्घ दिन टाणी पर चेष्टा करु चाषी थकबे और आगको आंदोलन अधिक जोरदार हो। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन कहते जो 3 कृषि बिल सरकार आनीरे चाषी को अधिक मजबूत करने कि विरोधी दल चाषी मन में भ्रम सृष्टि कर। चाषी आंदोलन को दृष्टि रखी अधिक कड़ाकड़ी सुरक्षा बंदोबस्त। दिल्ली सीमार कड़ा नजर रखिंट सुरक्षाकर्मी।
समस्त प्रकार अप्रीतिकर परिस्थितिर मुकाबला सुरक्षाकर्मी सजग अछन्ति। चासी को अपील करिसंति केन्द्र कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमार आंदोलन ओहरिबा पई चासी को से अपील करिसंति। गोटेपटे दिल्ली सीमार चासी आंदोलन जारी रही बेले अनेपटे पंजाब में समूह प्रार्थना चली आंदोलन समय असुस्थ हो पड़ा चाषी प्रार्थना करी। दिल्ली में चाषी आंदोलन चलता मध्य चाषी स्वर उठाई विशिष्ट समाजसेवी अन्ना हजारे। सरकार चाषी दावी पूरण नक से निज जीवन शेष आंदोलन भाव में चाषी अनशन बसवे या सहित सारा देशर चाषी एकाठी हुई अहिंसा बाटर आंदोलन में सामिल होगा समस्त चाषी को आह्वान करिसंति अन्ना हजारे। दिल्ली में चली कृषक आंदोलन यार भितर पर एक चित्र आसी शह शह कृषक दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमांत गाजियाबाद गाजीपुर सीमार आंदोलन में बस रास्ता उपरे चाषी बसी रही थे। इस समय एक आंबुलांस आसी आंबुलांस को देखा मात्र आंदोलनकारी चाषी बाट छाड़े बिना बाधार आंबुलांस रास्त पुणी चाषी से धारणा कर चासी आंदोलन को नहीं केन्द्र मंत्री राव साहेब दानवे बड़ बयान देते बुधवार मंत्री कहते देश में चाषी आंदोलन तीव्र होगा पछे चाइना और पाकिस्तान हाथ होते से कहते चाषी को भ्रमित चासी उभय कृषि बिल और प्रधानमंत्री विरोधी नुहति। शिवसेना नेता संजय राउत कहते जदि चाषी आंदोलन पछे पाकिस्तान हाथ थी जड़े केन्द्रमंत्री निज बयान कहते तेरे मोदी सरकार यार गंभीरता को नहीं चिंता करने उचित पाकिस्तान चीन उपरे सर्जिकल स्ट्राइक करा जाउ। जम्मू कश्मीर डीडीसी निर्वाचन पर पंचम पर्यायर मतदान शेष होती सका सात दिन दुई पर्यंत वोट पड़े डीडीसी निर्वाचन पर मोट सातोटी पर्यायर मतदान डिसेंबर 22 रे बाहर निर्वाचन फलाफल। प्रबल तुषारपात जम्मू कश्मीर हठात आरंभ हो अदिनिया वर्षा ठंडा सांग को वर्षार प्रभाव में हाड़फंगा शीत लहरी समस्त अस्तव्यस्त कर अधिकांश स्थान में शीतर लहरी जारी रही विशेषकर उत्तर भारत में हाड़फंगा शीत दैनंदिन जीवन को अस्तव्यस्त कर अधिकांश स्थान में पारद खसवा सहित शीतर प्रकोप वृद्धि पाई हाड़फंगा शीत दाउ रक्षा पाइबा विभिन्न उपाय अपना लोके धड़ा चादर में घोड़े होई पहाड़िया राज्य जम्मू कश्मीर ठू नहीं हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में जारी रही प्रबल तुषारपात बरफपात जो प्रकृतिर अनन्य सौंदर्य देखा मिली। भारत में पहुंची जापान वायुसेना मुख्य आज भारत वायुसेना मुख्य आरकेएस भदौरिया को भेटी जापान वायुसेना मुख्य जनरल इजस्तु सुजी या पूर्व वायुसेना मुख्यालय में सुजी को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान कार्यक्रम में सीडीएस विपिन रावत भी उपस्थित थे।